तो अब बात करेंगे कैसे चुनावी मूड में जेडीयू पार्टी आ चुकी है। दरअसल बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कोरोना काल के बाद भी सत्ताधारी गठबंधन का बड़ा घटक दल जेडीयू चुनावी मूड में आ गया। चुनाव तैयारियों के लिए सीएम नीतीश कुमार पार्टी नेताओं के साथ वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। जेडीयू की यह बैठक 7 जून से 12 जून के बीच होगी। एक दिन में 4 जिलों के पार्टी के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक करेंगे। जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ कमेटी तक के नेताओं को बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। 7 जून को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी के नेताओं से नीतीश कुमार बात करेंगे। इससे पहले 28 बैच के मुख्यमंत्री कर चुके हैं पार्टी नेताओं के साथ। अब बैठक जो होगी वो वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। कोरोना काल है और जिसमें पहले दिन 7 जून को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले की बैठक होगी और फिर 8 जून को सुपौल, सहरसा, मधेपुरा इसकी एक साथ बैठक होगी, जबकि किशनगंज, अररिया की एक साथ बैठक होगी, पूर्णिया, कटिहार की एक साथ बैठक होगी और उसके बाद दरभंगा की बैठक होगी और इसके बाद 9 जून आएगी जब मुजफ्फरपुर की बैठक होगी, गोपालगंज और सीवान की एक साथ बैठक होगी, फिर सारण और वैशाली की जो जदयू के कार्यकर्ता हैं, जदयू के पदाधिकारी उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद 10 जून को समस्तीपुर की बैठक होगी, समस्तीपुर के बाद बेगूसराय की बैठक होगी और बेगूसराय के साथ खगड़िया, भागलपुर, बांका एक साथ बैठक होगी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई इन जिलों की एक साथ बैठक होगी। उसके बाद 11 जून को नालंदा के बाद राजधानी पटना, फिर भोजपुर, बक्सर और कैमूर और रोहतास की एक साथ बैठक होगी। 12 जून जो अंतिम दिन होगा बैठक का उसमें अरवल और जहानाबाद की एक साथ बैठक होगी। 5300 रुपए प्रति व्यक्ति जो खर्चा हुआ, तो एक तरह से कहें सरकार अब हिसाब देने के मूड में भी है और ये चीजें बताई जाएंगे और किस तरह से बिहार सरकार की तरफ से जो प्रवासी आए हैं उनके लिए काम का बंदोबस्त किया गया है उसके बारे में भी मुख्यमंत्री बताएंगे और साथ ही ये कहें कि चुनावों के बारे में जिसके अब तैयारी शुरू हो गई है उसके बारे में भी जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको बताएंगे। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया। वहीं जेडीयू नेता और मंत्री जय कुमार सिंह ने जेडीयू की बैठक पर कहा है कि हमारी सरकार में सेवा से किया गया है। जी मीडिया से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि हम सरकारी काम भी करेंगे और चुनाव की तैयारी भी करेंगे। भाजपा ने वर्चुअल रैली तैयारी की तो जदयू में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। कल शाम को बैठक हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक की, तमाम नेताओं के साथ बैठक की। हम बात करते हैं, हमारे साथ जय कुमार सिंह हैं, वरिष्ठ नेता हैं जदयू के और मंत्री। सर, अब बैठकों के एक तरह से कहें कि दौर शुरू हो गया है। हाँ, चूंकि अभी तक तो सरकार देखिए जो जो महामारी थी संक्रमक है और संक्रमित लोगों की रक्षा के लिए हम लोग काम सरकार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग की ये घोषणा हुई और चुनाव आयोग ने ये कहा कि समय पर ही चुनाव किया जाएगा तो निश्चित तौर पर अब पार्टी को भी अपनी जग जानी चाहिए और अपने कार्य में लग जाना चाहिए। अब शीर्ष के नेता अभी अब लग गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, अब चुनाव की भी तैयारी की बातें कुछ वरिष्ठों से बैठ करके और अपने साथ जितने भी बिहार के हमारे कार्यकर्ता साथी है उससे कैसे रूबरू हों, कैसे एक टास्क दिया जाए कि हम जो काम किए हैं इसको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, तो इसके भी कार्य अब लगभग शुरू हो गई है। एनडीए या कहें कि बीजेपी और जेडीयू है वो अब सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही है, केवल राजनीति की बात कर रही है, चुनावों की बात कर रही है। देखिए, हम तो सरकार के भूमिका में कहीं कोताही किए हैं न करेंगे, चूंकि चुनाव भी एक लोकतंत्र में जब अनाउंस हो जाता है तो वो भी एक दायित्व है, वो काम होती रहेगी, लेकिन सरकार की जो दायित्व है जो प्रवासियों के प्रति उनके रोजगार देने के प्रति वो निरंतर वो कार्य चल रहा है। तो साफ तौर पर विकास की बातें जन जन तक पहुंचे ये टास्क दिया जाए और दूसरी बात ये है कि जो विपक्ष के ऊपर ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं उनके सीधे तौर पर खारिज किया जा रहा है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।